नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर कुमाऊत आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान ऑर्गेनिक पर स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि मिर्च की जो हम खेती करते हैं उनमें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो मिर्च की खेती में जो प्रॉब्लम्स है उनमें मेन जो है वो है रोगों की प्रॉब्लम। इसमें बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो समय समय पर आते रहते हैं और मिर्च के उत्पादन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। एक रोग तो एक इसका ऐसा रोग है जो अगर फसल में एक बार लग जाए तो फसल पूरी ही पूरी चौपट हो जाती है और उत्पादन जो होता है वो बिल्कुल ज़ीरो रह जाता है। तो किसान भाइयों, फर्स्ट रोग की हम बात करेंगे। पहला रोग जो बिल्कुल छोटी एज में जब पौधा होता है इसका नर्सरी में तब लगता है, उसका नाम है डैम्पिंग ओप। डैम्पिंग ओप किसान भाइयों एक फफूंद जनित बीमारी है। फफूंद जनित बीमारी होने के कारण क्या होता है, जो छोटा इसका जो स्टेम होता है पौधे का उसको नीचे से गलाकर नीचे डाल देता है पौधे को, तो पौधा ख़त्म। दूसरी बीमारी आती है बड़े पौधे बड़े होने के बाद में जो दूसरी बीमारी लगती है मुख्य, जिसका नाम है लीफ कर्ल वायरस। अब हम बात करते हैं लीफ कर्ल वायरस के बारे में। दोस्तों, लीफ कर्ल वायरस जो मिर्च की बीमारी है उस वो वायरस जनित बीमारी है, और ये बीमारी जो है अगर एक बार खेत में प्रवेश कर जाए तो इसको रोक पाना मुमकिन ही नहीं, बिल्कुल ही नामुमकिन है। अगर आपके पौधे आपके अगर पूरे खेत में एक आध पौधे ऊपर अगर आ जाए, अगर जो भी पौधे रोग ग्रसित हैं तो उनको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। और लीफ कर्ल वायरस का करैक्टर यही होता है कि पौधे की जो पत्तियां जो होती है बिल्कुल सिकुड़ जाती है और पीली पीली और कलरलेस हो जाती है। अब हम बात करते हैं, फर्स्ट डैम्पिंग ओप हो गया, सेकंड वायरस हो गया, अब हम बात करते हैं डाईबैक के बारे में। डाईबैक भी किसान भाइयों बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर इसका टाइम टू टाइम अगर अपन अपडेट करते रहते हैं, हम टाइम टू टाइम अगर दवाइयों का डोज अगर हम खेत में देते रहते हैं तो ज़्यादा घातक नहीं है। डैम्पिंग ओप एक फफूंद जनित बीमारी है, और ये फफूंद जनित बीमारी है ये अभी हमारे फार्म में आई थी, हमारे खेत में दिखी थी थोड़े दिन पहले, बिल्कुल पीला पीला हो गया था खेत और ऊपर से जो है स्टेम उल्टा सूखता है, पौधा जो है उल्टा सूखता है ऊपर से और फ्लावर झड़ जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं और उत्पादन काफ़ी प्रभावित होता है। और डाईबैक हो गया, इसके बाद में एक रोग और आता है जिसका नाम है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज भी किसान भाइयों एक फफूंद जनित बीमारी है, फंगस की एक सबसे खतरनाक बीमारी है ये भी। तो इसके अंदर ये होता है कि जो आपका लीफ है, ये जैसे कि आपका पत्ता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि ब्लैक ब्लैक कलर के स्पॉट बन जाते हैं, और स्पॉट बनने के कारण पौधा हल्का सा मुरझाया हुआ भी दिखता है, क्योंकि स्पॉट बनने के कारण अगर पत्ती का जो क्लोरोफिल है वो डैमेज हो जाता है, उसके कारण पौधा हल्का सा मुरझाया हुआ दिखता है। तो दोस्तों, अगर आप इन बीमारियों का जो है अगर टाइम टू टाइम अगर आप पेस्टिसाइड्स, अगर आप फंजीसाइड्स हो गए तो इनका अगर आप टाइम टू टाइम स्प्रे करते रहोगे, और वायरस को रोकने के लिए जो है आपके खेत के अंदर जितनी भी वाइट फ्लाई है, जितना भी थ्रिप्स वगैरह है, जितने भी रस चूसक कीट है, अगर उनका आप नियंत्रण टाइम टू टाइम करते हो तो वायरस की जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम देखने को मिलेगी, आपकी फसल जो है काफ़ी अच्छा उत्पादन देगी। और हमने इस चीज़ पे ध्यान दिया है, इस कारण हमारी जो मिर्च की जो फ्रूटिंग है आप देख सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद।